नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में सेचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना। बीते 10 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना में आज कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरना को अपना समर्थन देते हुए एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें उन्होंने मिल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगें पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। बताते चलें कि लाल कुआ के कार रोड स्थित शहीद स्मारक के समीप बीते 10 दिन से स्थानीय सेचुरी पेपर मिल के श्रमिकों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय जोशी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। 10 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ भर्तियाँ निकाली जाती है, कभी एज के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। मैं मिल प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूँ कि हम 10 से 12 साल जब काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एज और ट्रेड से आप कैसे हमें बाहर कर सकते हैं, कैसे वंचित कर सकते हैं? और अगर ये हमारी बातें अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे तो हम घर घर जाके जन आंदोलन छेड़ देंगे। यहाँ ये दिखा देंगे इनको, ये मजाक समझ रखा है ना इनने, किसी के साथ किसी के मतलब किसी को ऐसे आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर दे रहे, बिल्कुल हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये समझ लीजिए, जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो पागल हो जाता है। पागल ये समझ लीजिए, कहीं किसी हद तक गिर सकता है। ये अच्छा नहीं होगा किसी कंपनी के लिए, ये हम भी नहीं चाहते किसी कंपनी के लिए ऐसा हो। हम एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ देंगे, ये भी याद रखेगी कि हमने किया क्या करके, मतलब इनकी अपनी मनमानी चलेगी, जब मर्जी तब चाहे कहेंगे 35 साल हो गए, ट्रेड नहीं है, एज नहीं है, क्या मतलब है ये? वर्षों से सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत हैं, लेकिन जिस समय इनने स्थायी भर्ती निकाली उस समय हमें इनने कई जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु का ना लेंगे और कुछ ही ट्रेडों को लेंगे, ऐसी हमें बातें कहते हुए हमें उस भर्ती से वंचित कर दिया। और हमने जब इसकी शिकायत अपनी बात मैनेजमेंट से रखी तो उनने हमारा गेट भी बंद कर दिया। उस दिन से हमने अपनी आवाज़ DLC तक पहुंचाई, लेकिन DLC से भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद हमें लास्ट जा रहा हमारा अनिश्चितकालीन धरना था और अब हम उसी पर डटे हुए हैं। जब तक हमें अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता और जब तक हमें वहाँ पे स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाती है तो हम धरना इसी प्रकार चालू रखेंगे। आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती भी निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है इस पेपर में दिया, काम किया, लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। एक मनगढ़ंत और अपने एक ये समझ लो कि एक अपने सोची समझी साजिश के तहत अपने हिसाब से इनने मनमानी ढंग से भर्ती निकाली। तो युवा साथी जो यहाँ काम करते थे उन लोगों ने 11 दिन धरना हो गया है और धरने बैठे हुए हैं। 2 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष जी भी इसका समर्थन दे गए हैं और इन्होंने बहुत उससे आवाज़ उठाई है, अपनी मांग रखी है। तो मांग के आधार पर इन लोगों से इन्होंने जब ज्ञापन दिया तो इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। हम उस 2 हफ्ते के टाइम में देख रहे हैं, अभी जो इनका धरना है अनिश्चितकालीन तो जारी रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या होता है उसके देखते हैं। हमें तो बस इनका समर्थन दे रहे हैं।